एक क्वेश्चन करना। थैंक यू आर्यन। अरे क्या बाल बना के बंद कर दिया, उसके लिए चाबी क्या? ठीक है ओके, गलती से ऑन कर दिया था। चलो राइट ऑन। इफ इफ ए इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एंड ए, देन प्रूव दैट सी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन प्रूव दैट सी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। इंसर्टिंग हार्मोनिक मीन्स लास्ट टाइम कराया था, आई होप यू रिमेम्बर। या सर, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स करके कोई क्वेश्चन यस सर, कराया। यस सर। नॉन इंटीग्रेटेड वाले भी होना इस ग्रुप पे। ओके यस सर। इन केस कभी मैं रेड रेड हाउस या नॉन इंटीग्रेटेड किसी एक को लिंक नहीं डाला कभी भी, तो यू गाइस फील फ्री टू टेक्स्ट मी एंड आस्क, इट वुड बी प्योरली बाय मिस्टेक ओनली। ओके 2 मिनट ट्राई करो क्वेश्चन, फिर आई विल हेल्प यू आउट। प्रूव दैट का क्वेश्चन है। सर हो गया, हो गया। तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। ओके ओके तो तुम लोगों को रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना आता है क्या? इफ रूट्स आर गिवन। हाँ सर। हाँ सर। कैसे ढूंढते हैं? अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस ए बी। करेक्ट 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 वही है। ठीक है चलो बढ़िया है। तो आई हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक से कोई मतलब नहीं, क्वाड्रेटिक के बेस पे थोड़ी देर में क्वेश्चन दूंगा। उसके पहले द बेसिक थ्योरी विच आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू नो, एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू नो इज, अगर दो नंबर से, कोई भी दो नंबर से, ए और बी, ए और बी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, दैट इज हाउ अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर रूट ऑफ ए root of a into b product of, okay, and harmonic mean of two numbers याद है क्या? 2ab upon a plus b. 2ab upon a plus b. This is a very, these are very three important words that you have to remember. अच्छा इस question में जो भी words में है उसको equations में convert करते हैं। if तो waste है। a is the arithmetic mean of b and c. a is the arithmetic mean of b and c मतलब that sentence can be written in mathematical way as a equals to b plus c by 2. A is the arithmetic mean of B and C. Okay. Can you predict what will be the second equation? B is equal to root AC. Yes. B is the geometric mean of C and A. B is the geometric mean of C and A. So B is equals to root of CA. किसी को doubt है क्या इसमें? Or B square equals to CA. We can say that B square equals to CA. That has been given to us in the question. B is the geometric mean of CA. अच्छा prove क्या करना है? Prove क्या करना है? C is equal to 2ab. C equals to 2ab by a plus b. A plus b. ये हमें प्रूव करना है इन दोनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके, कैसे भी करके मैनिपुलेट करके प्रूव करना है। अच्छा मैनिपुलेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 2a is equal to b plus c, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अभी यहाँ पे b square है, यहाँ पे b square है दूसरा इक्वेशन यूज करने के लिए। b square के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों सेट क्या क्या करूं? स्क्वेयर करेंगे तो सी स्क्वेयर भी जनरेट हो जाएगा फालतू का। वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड्स। इफ आई मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2ab और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस बी सी। ओके
Now we'll use this fact now. B square is CA. So 2AB is equals to CA plus BC. I hope everybody is following this. Right hand side, kuch common nikal sakte hai kya? C, sir. C. C common nikalne ke baad bache ka kya? A plus B. A plus B ko left side divide kar denge. So we'll get therefore C equals to 2AB by A plus B. Just manipulation ka question hai. The main whole point of giving this question is for you guys to revise for two numbers. What is arithmetic mean? What is geometric mean? And what is harmonic mean? Aaj ke class mein AMGM ya APGP ke miscellaneous questions thode karenge. Naya concept next class mein karenge. Major test mein aaj ke lecture tak ki aayega. Of course. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ. और तुम लोगों का फेवरेट सीरीज कौन सा है? फ्रेंड्स के अलावा सूट्स. सूट्स ओके. हाँ सर मेरा भी सूट्स. सूट्स भी अच्छा है. सूट्स का वो फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट इंट्रो ही इतना ब्लास्ट रहता है. तुमने वो देखा क्या? ब्रुकलिन 99. मेंटलिस्ट नहीं देखा मैंने बट सुना है अच्छा है करके. लूसीफर नाम अलग है और जो वाइब ऑफ द सीरीज है वो अलग ही रहता है. ग्रेस एनाटॉमी. हाँ वो भी ग्रेस एनाटॉमी बहुत सारे सीजन से करके कभी हिम्मत ही नहीं हुई. शिवांग बिग बैंग से भी अच्छा. थोड़े वॉकिंग डेड थोड़े थोड़े है जो फेमस है मैंने देखे नहीं है. चलेगा एरियस कर दूं? यस सर. यस सबसे वर्स्ट सीरीज कौन सा है पता है क्या? सर इतने देखे ही नहीं वर्स ढूंढने के लिए. हाँ मतलब देख के गिव अप हो गया बीच में ही. मतलब ऐसा एक था मैंने देखा था वैम्पायर डायरीज करके था. बहुत ही बेकार था. हाँ सर बहुत बेकार है वो. वही मैंने पहला एपिसोड शुरू किया पहले 20 मिनट. मिर्जापुर नहीं देखा है? मिर्जापुर बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया. मिर्जापुर क्या इतना गंदा है क्या सर? खुद हद से ज्यादा ही गंदा है. मत ही देखना बालिका वधू. ये सब कौन देखता है यार? तू कौन टेक्स्ट कर रहा है? वो सीरीज भी नहीं वो तो शो है. ठीक है वो नाम देख के नहीं देखेंगे बालिका वधू तो. मतलब वो मतलब कोई तो पुराने जमाने में कुछ तो अत्याचार होता था वो सब दिखाते. किधर सर किसने लिखा है? हाँ मैंने देखा नहीं. मैं बस बता रहा हूँ गेसिंग. अरे मतलब शो पे रोस्ट वीडियोस भी आ चुके हैं बहुत सारे. अच्छा वो नहीं देखा है रोस्ट वीडियोस? देखना है वो ज्यादा मजेदार ही होते हैं रोस्ट वीडियोस. यस सर. चलो नेक्स्ट टाइम कंसीडर फाइव नंबर्स. कंसीडर फाइव नंबर्स ए बी सी डी ई. कंसीडर फाइव नंबर्स ए बी सी डी ई. ओके इट इज गिवन दैट A equals to 2, E equals to 18. It is given that A is equals to 2 and E equals to 18. And also, ABC are in AP. BCD are in GP. CDE are in HP. And also, ABC are in AP. BCD are in GP. CDE are in HP. Find the values of B, C, and D. Find the values of B, C, and D. Try करो. हाथ पैर मारोगे तो भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा. आएगा आंसर.
क्या ईशान, ये कहाँ से नाम सुन के आए तुम? मेड अप नेम से क्या? ठीक है, इस आनंद ने स्विच ऑन किया क्या वीडियो? ऑफ हो गया, ठीक है, ओके ओके ईशान, मैंने भी किया, ओके। किसने बोला, अंशुल ने बात किया क्या? नहीं सर। ओके अंशुल, तेरा वीडियो ऑन है कि तेरा डिस्प्ले पिक है वो? चला गया, गलती से ऑन हो गया होगा। ओके ओके, लेकिन वो क्या था वो ग्रीन कलर का? सर वो मैं वेबकैम सीपीयू के तरफ फेस था तो। अच्छा अच्छा, वो सीपीयू का वो पार्ट था क्या? ओके ओके, मल्टीपल आंसर्स है आनंद, वो करेक्ट है? हाँ आनंद करेक्ट, रेस्पेक्टिव कंडीशंस अप्लाई करते जाना है। हाँ शिवांक, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आनंद? हाँ सर। क्वेश्चन, आर यू एबल टू रीड द क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन राइट बॉटम? यस सर। ओके यस सर, ट्राई कर लो जिसका हो गया ये। शिवांग करेक्ट है यार, अच्छा किया। और ये लास्ट सेंटेंस का मतलब क्या, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर मतलब क्या? मतलब दो नंबर्स का रेशियो, मतलब और क्या, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है, तो नंबर्स का रेशियो ढूंढना है मतलब। और कैसे समझो, समझा क्या? हां सर। ओके दिस क्वेश्चन, डू यू गाइस नीड सम मोर टाइम और do you need some hint or some a time? okay, tum log kya kar rahe ho bata sakte ho kya? what are you planning to do? aryan correct hai, acha ki aryan, ha bata sakte ho kya kya plan hai sir? am ke liye matlab ap ke liye 2b equal to a plus c, 2b equals to a plus c, a de rakha hai na? सर हाँ, तो कंडीशन क्या आ गया, 2b इज इक्वल्स टू 2 प्लस c, ठीक है, दिस इज द कंडीशन व्हिच यू गॉट आई गेस, ओके दैट इज फेयर एनफ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, c इक्वल टू bd, हाँ c स्क्वायर इज इक्वल्स टू bd, c स्क्वायर इक्वल्स टू b इनटू d, दैट इज करेक्ट, ओके। और लास्ट कंडीशन बता सकते हो, C D E H P में है ना, 2 C E upon C plus E equal to 2 C E upon C plus E should be equal to D, D बस,
बी का वैल्यू डी का वैल्यू इसमें पुट करो सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से बी का वैल्यू, थर्ड इक्वेशन से डी का वैल्यू सेकंड वाले में पुट करो, और ई का वैल्यू भी पता है ना, लेट अस रिप्लेस ई विद 18। लेट अस सी व्हाट विल हैपन, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इनटू डी, बी इज 2 प्लस सी बाय 2 एंड डी इज 2 इंटू सी इंटू 18 डिवाइडेड बाय सी प्लस 18। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 2 तो कैंसिल हो गई और सी भी एक कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड से राइट साइड से। सॉल्व करो जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। इश्फाक करेक्ट, संजना एक और सेट ऑफ आंसर से। ओके आनंद, ये वाला फिर सी भी एक कैंसिल होगा, सी इंटू सी प्लस 18 इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी इंटू 18। किसी का आया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर? क्या रे क्वाड्रेटिक सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तो कट ही जाएगा सर, प्लस माइनस 6 आएगा। क्या क्या सी 18 सी और 18 मतलब वो। ओके ओके ऐसा आ जाएगा शायद। यस सर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, सी इज प्लस माइनस 6, फिर सी मिल गया तो बी और डी भी मिल जाएगा। हां सर, दो आंसर आएंगे संजना, आई थिंक यू गॉट इट नाउ। यस आदिनाथ, आदिनाथ सेकंड वाले का थर्ड टर्म गलत है, सेकंड वाले का डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। ओके दैट इज राइट आदिनाथ, फॉर अदर्स शुड आई वेट और व्हाट इज द सिचुएशन? केस वन सी इक्वल टू 6, केस टू सी इक्वल टू माइनस 6, सी को 6 लेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आता है शायद, इस केस में माइनस 2 और बी का वैल्यू माइनस 18, सो द आंसर विल बी इधर 4, 6, 9 और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 18। दो केसेस लेना पड़ेगा सी के लिए। हो गया कि नहीं प्रियम? यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स, आर यू डन विद दिस क्वेश्चन और शुड आई एक्सप्लेन मोर और डू यू नीड सम टाइम टू कॉपी इट डाउन और सॉल्व और एनीथिंग? सर एक मिनट। ओके ओके, अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन हियर, इफ हार्मोनिक मीन इज टू ज्योमेट्रिक मीन, if the ratio of harmonic mean and geometric mean of two different numbers is 12:13, if the ratio of harmonic mean is to geometric mean of two different numbers is 12:13, find the ratio of the numbers, find the ratio of the numbers, that is the question.
ओके सो नो रिप्लाई. तो आई एम गोइंग अलोंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दो नंबर से कोई तो दो नंबर्स ए और बी अगर मान लिया, ए और बी अगर दो नंबर्स मान लिया, उन दोनों का हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू 12/13 बोल रखा है. एंड वी हैव टू फाइंड ए इज टू बी. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. फॉर टू नंबर्स हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स. लेट मी हैव टू मोर क्वेश्चंस ऑन द लेफ्ट साइड इन द मीन टाइम. That's right, Ishfaq. Very nicely done. Okay. Let me give you a start. In fact, you guys tell me the start. Let me help you in the further steps. First step, bata sakte ho ki do numbers A or B le liya. What will be the first step? Solution ka. 2AB by A plus B upon square root AB is equal to 12 by 13. That is correct. That equals to 12 by 13. Then what is the next step which you have done? Any simplification that can be cross multiply. AB is equal to 169. नहीं 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 GM is equal to AM into HM ऐसे करते हैं। हाँ, GM square equals to AM into HM। But HM का value 12 नहीं है। HM का value फिर 12 K लेना पड़ेगा। हाँ सर, वैसे ही किया। Fair enough, fair enough। Okay। और हाँ बोलो आशीष। सर वो HM और GM के दोनों अलग numbers होंगे तो A और B लेने का है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि दो नंबर से ए बी उनका एच एम और जीएम का रेशियो 12/13 है। अच्छा, सर मेरे को लगा दोनों अलग है, मतलब ए बी या सी। नहीं नहीं, दो ही नंबर से। हाँ बोलो, नेक्स्ट कोई पूछ रहा था या बता रहा था, बताओ कुछ। सर मैंने आंसर भेजा। ओ नमन्या करेक्ट है, मानव इज ऑल्सो करेक्ट, शिवांश इज रॉन्ग। ओके ना, इसके बाद यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई करके बता सकते है क्या? कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा है क्या सिंपलीफाई इधर? 2 root AB upon A plus B. हाँ, 2 root AB upon A plus B is equals to 12 by 13. Can't you simplify more? सर अभी हमें वो cross multiply करना होगा। 2 और 6 को भी cancel कर सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, cross multiply करेंगे तो क्या होगा? सर तो 6 से 13 into हाँ, 13 into root A into B root AB तो 13 इक्वल्स टू क्या होगा, कोई बता सकते क्या? रूट ए बी को डिवाइड करेंगे, root a by b plus root b by. हाँ, 6 टाइम्स रूट ऑफ ए बाई बी प्लस रूट ऑफ बी बाई ए। ये समझ में आ गया? What am I doing others? Yes sir. Sir वो उसके आगे भी 6 होगा ना? हाँ, 6 common. यार root a by b को y ले लो, root a by b को y ले लो, तो 16 is equal to 6 times y plus 1 by y. I think you can sir, do this. Sir अभी quadratic equation बन जाएगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, वाई मिल जाएगा तो रूट ए बाई बी मिल जाएगा, स्क्वेयर करोगे तो ए बाई बी मिल जाएगा। कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन, राइट साइड सॉल्यूशन लिखा है, आई थिंक इतना सॉल्यूशन एनफ है कि और डिटेल में चाहिए किसी को? कंप्लीट कर लो अभी। यस सर। पूरा सॉल्व कर रहे हो कि छोड़ दिया ये सम? Anybody who got the value of y? 2/3 and 3/2 Thanks a lot. Y is 2/3 or 3/2 So answer will become 9/4 or 4/9 Next question is on the left side of the board. If for two numbers, a comma b, say, if for two numbers a comma b, the harmonic mean is 4. The harmonic mean is 4. And 2 times arithmetic mean plus geometric mean square equals to 27. Find a comma b. Also, a fact, pichle टाइम आनंद ने बताया, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एंड यूजफुल फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। That's right, Adinath. अच्छा ठीक है, ए बी पॉजिटिव मान के कर लो यार इस समय। शिवांश करेक्ट, आदिनाथ फ्लिप भी हो सकते, बी और ए का वैल्यू इंटरचेंज भी हो सकता है। फिर मतलब फिर चार सॉल्यूशन आएंगे। हाँ यहाँ पॉजिटिव मान के कर लेना, पॉजिटिव देना चाहिए था। तो पॉजिटिव के दो ही आएंगे। हाँ पॉजिटिव के दो ही आएंगे। ठीक है सर। दो बार तूने टाइप किया, 6 है ना वो आदिनाथ। ऋषिकेश करेक्ट है, 6 गलती से आ गया फिर। हाँ पहली बार भी वही भेजा था शायद तूने। हाँ सॉरी नहीं, एक ही बार भेजा, मैंने स्क्रॉल अप किया। शिवांश करेक्ट है।
ओके, वो फॉर्मूले को कैसे यूज कर रहे हो? उसमें आर्यन करेक्ट, शिवांग करेक्ट, हाँ उसमें बोलो। उसमें सर एचएम को सब्स्टिट्यूट किया तो दोनों एएम के टर्म्स में आ गए। करेक्ट, एक बार कैन यू हेल्प मी आउट अ लिटिल मोर डिटेल। टू टाइम्स अरिथमेटिक मीन प्लस तू क्या करे, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर को अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन लिख रहा है। हाँ करेक्ट, और हार्मोनिक मीन का वैल्यू दे रखा है। हाँ सर, टू टाइम्स अरिथमेटिक मीन प्लस फोर टाइम्स अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 27। अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है? 27/6। थैंक यू, 27/6 सक्सेसफुल। ओके, और फिर इसके बाद? इसके बाद जीएम मिल जाएगा। फिर जीएम मिल जाएगा इससे, कैसे मिलेगा जीएम? 27/6 इनटू 4 करेंगे तो जीएम रहेगा, फिर उसका अंडर रूट। 27/6 इनटू 4 करेंगे और उसका अंडर रूट कितना आ रहा है सिंपलीफाई होके? Anybody else who has done this simplification? सर इसको इतना फर्दर नहीं, अंडर रूट 18 है, a प्लस b बाय रूट 18, अंडर रूट 18। ओके, अभी ढूंढना क्या है पहले उस पे ध्यान रखो। हाँ आनंद क्या बता रहा है? सर मैंने am का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू 27/6 करके। करेक्ट, फेयर है ना? फिर उसके बाद hm दिया हुआ है हमें तो उससे ए बी निकल गया मेरा। करेक्ट, उन लोगों ने भी सॉर्ट ऑफ वही निकाला। ए बी का वैल्यू कितना आया? 3√2। 18 आएगा, 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करना है, बस सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, ए और बी मिल जाएगा। अग्निव करेक्ट, आर्यन करेक्ट, संजना करेक्ट, सॉल्व करना है। 3.6 आएंगे आंसर्स, 3.6 और 6.3। वो 27/6 देखने में टफ लग रहा है, 9/2 है वो बेसिकली। तो ए प्लस बी का वैल्यू 9 है और ए इंटू बी का वैल्यू 18 है, दैट इज राइट। ओके आदिनाथ, ऋषिकेश राइट, हो गया। तो एक और क्वेश्चन है बोर्ड पे राइट साइड। इफ आई एम गोइंग फास्ट ऑल्सो लेट मी नो। कितने लोगों का वीडियो ऑन करने में इन जनरल प्रॉब्लम है या बस ऐसे बाय चॉइस ऑन नहीं करते? अभी मेरा वेबकैम नहीं कनेक्टेड है। क्या क्या तेरा हर टाइम? वेबकैम, वेबकैम। ओके ओके ओके, नहीं अगर मैं सोच रहा था, जस्ट प्लान है, अगर नेक्स्ट मेजर टेस्ट में जिसके भी कम मार्क्स आए उनको कंपलसरी करेंगे वीडियो ऑन करना। लाइक आर यू गाइस ओके विद दैट? Yes, sir. कम मार्क्स मतलब the bottom 20% students, maybe 10 students from your class. बाकी लोगों के लिए चॉइस है, you can switch it on or not. So other than Amani, nobody has a problem. सर आज थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है इसलिए ऑन नहीं कर रहा। नहीं आज नहीं, इन जनरल आगे से कभी। मेक कंपलसरी फॉर ऑल,
कैसे कंपलसरी करूं, हर बार बोलता तो हूं लिंक डालते टाइम ज्वाइन विद वीडियो ऑन, और कितना कंपलसरी कर सकते हैं। वैसे जूम में कोई सेटिंग है क्या विदाउट वीडियो ऑन ज्वाइन नहीं कर सकते करके? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन, प्रीवियस वन 3.6 वर द आंसर्स, थोड़े लोगों ने बेचा, बाकी लोगों का पता नहीं हुआ कि नहीं। हर्षवर्धन, रश्मिका, दक्ष, शयान, तुम लोगों से हुआ क्या सम? अनुष्का, वत्सल, प्रीवियस क्वेश्चन? यस सर। ओके, पलक, ऋषभ राय, श्रेसी, तन्मय, ठीक है। यस सर। पलक, आर यू देयर? यस सर। ओके, चलेगा, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग मैत्रेयी एंड अदर्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन डाउट है तो पूछो किसी को भी, थोड़ा सा भी कैसे सॉल्व करना है या कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो भी लेट मी नो। इन द मीन टाइम अदर्स कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, एच इज द हार्मोनिक मीन एंड ए पावर एक्स इक्वल टू जी पावर वाई इक्वल टू एच पावर जेड, देन प्रूव दैट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, then prove that x, y, z are in HP. Remove all those whose cameras are off. अरे बोलना इजी है, ऐसे निकालने में थोड़ा सा बुरा लगता है। ऐसा कभी किसी सर ने किया क्या इतना एक्सट्रीम, बिना कैमरा ऑन है तो ऐसे निकाल दिया? नो सर, चालू नहीं था तो मैम ने हटा दिया मीटिंग। ओ, कौन है? अच्छी मैम है, थोड़ा बोल्ड मूव है बट यार। अरे क्या करते हैं अब, क्या एज फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा ही है, दीवार से बात कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट सिंसियरली फॉलो करते हैं लेक्चर, तुम लोग सिंसियरली फॉलो करते हो क्या? हां सर। यस सर। ऐसे ही ऑन कर दिया और फिर चल रहा है। अंशुल तो अभी जस्ट उठा शायद बेड से कैमरा ऑन करने के चक्कर में। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके ओके अदिति, तो भी चलेगा, यू कैन स्विच इट ऑन। हाँ प्रियम बताओ क्या? ओके, नाउ जब स्पेशली जब दो चीजें इक्वल आ जाए, जब दो चीजें इक्वल आ जाए उसको तीसरे से इक्वल कर दो, इक्वल टू के करके मान लो, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल जनरल मेथड। ए का पावर एक्स इक्वल्स टू जी पावर वाई equals to h power z equals to k ले लो, assume it as some number k, especially जब multiple equal to signs आ जाएंगे तो सबको equal to some k ले लो। good one Aryan। तो a first and last को compare करो, a power x अगर k है तो a का value क्या होगा? k to the power 1 by x, k to the power 1 by x, that is perfectly correct। similarly g का value हो जाएगा k power 1 by y एंड एच का वैल्यू हो जाएगा के पावर वन बाई जेड। ओके, एनी रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। जस्ट डू इट, डू इट, देन करो आगे बढ़ो। सर के सर विदाउट के लिए नहीं कर सकते क्या? विदाउट हम लोग अज्यूम किए के है कांस्टेंट, तो उसको बिना लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इन दोनों के इक्वल किया तो ए हो जाएगा जी पावर वाई बाई एक्स। हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया। हाँ, फिर h = g पर y / z ऐसे करके एक ही बात है। तो g square equals to a into h। करो k का पावर कुछ कुछ आएगा और इक्वल करो।
सर तो बस पावर्स रिक्वायर्ड करना है। पावर्स इक्वल करो और क्या प्रूव करना है वो प्रूव हो पा रहा है क्या सोचो। चलेगा आदिनाथ? ओके तो k पावर 2 बाय y इक्वल्स टू k पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय z सिंपल लॉस ऑफ इंडाइसेस इक्वल कर देंगे तो लिखे 2 बाय y इक्वल्स टू 1 बाय x प्लस 1 बाय z। यही पे दिख जाना चाहिए, नहीं दिखा तो थोड़ा और सिंपलीफाई करके y इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z करके आएगा। तो ये एक्सप्रेशन देख के तुम्हें आइडिया आ जाना चाहिए 2xz अपॉन x प्लस z है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, वही प्रूव करना है। 2xz अपॉन x प्लस z मतलब x एंड z का हार्मोनिक मीन y है और इन अदर वर्ड्स x प्लस z आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दैट इज राइट उन्नति। सर मुझे बस एक थोड़ा छोटा सा डाउट है। बोलो। तो जैसे g स्क्वायर इज इक्वल टू ah है, हां, तो फिर मैंने ऐसे किया कि g की वैल्यू y दी हुई थी, पर ये रिलेशन आ गया एंड में। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। ओके और कोई और किसी को डाउट है क्या इस समय? करण फर्स्ट टाइम वीडियो ऑन किया शायद, फर्स्ट टाइम देख, नाइस टू सी। कौन से हेडफोन से तेरे? क्या कॉस्मिक? पता नहीं यार, नाम समझ ही नहीं आ रहा है। कॉस्मिक बाय करके है। कॉस्मिक? हाँ सर। ओके ओके, मैंने यूज नहीं है कॉस्मिक का कभी। अच्छा है क्या स्कल कैंडी से? अच्छा है क्या? नहीं सर, कल फैमिली से। चलो जस्ट वन मिनट गाइस, वन मिनट। सॉरी गाइस फोन आ गया था। ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको कॉपी कर लेना। फॉर एन एन नंबर्स अरिथमेटिक मीन इज गिवन दिस वे, एवरेज ऑफ द एन नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर आल्सो एवरेजेस ओनली, दे आर रिटन इन दिस मैनर। हाय ईशान, बोस बोस के स्पीकर्स तो है ही घर पे। सर ढूंढना क्या है? नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट थियरी है। एन दो नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है ना, ऐसे तीन नंबर्स के लिए क्यूब रूट ऑफ ए बी सी होता है। ये एम्पलीफाई करके डिफाइन कर दिया है फॉर एन नंबर्स ए एम जी एम और एच एम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसका प्रूफ हम लोग बाद में पढ़ेंगे,
but for positive numbers arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean is greater than or equals to harmonic mean. For any n positive numbers हमेशा arithmetic mean ज्यादा रहता है सबसे, फिर geometric mean, फिर harmonic mean. Did you encounter this fact before any time? नहीं किया तो भी याद रख लो अब से. For n positive numbers arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean is greater than or equals to harmonic mean. सर बोलो सर, वो जो sum of inserted arithmetic mean का जो है सर n into a, हाँ यहीं से ला सकते हैं ना, derive कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी am equal to सारे का sum by n है ना. यहाँ पे actually n numbers का एक am है, वो है ना दो numbers के बीच में n arithmetic mean से, वो थोड़ा different है. अच्छा, ये n numbers का एक arithmetic mean है, वो दो numbers के बीच में n arithmetic means insert किया. Number of arithmetic means are more. हाँ सर. ओके, ये लिख लिया क्या सबने? सर यस सर. ओके हाँ सर, हो गया. ओके, किसको टाइम लग रहा है? शयन को शायद. लेट मी नो शयन. एक्चुअली एक छोटा कॉल अटेंड करना है मुझे, एक क्वेश्चन देके जाता हूँ. सर हो गया सर, एक सेकंड. ओके सर, नीचे का हो गया. अच्छा, और एक चीज भी लिख लो, जब इतना डिटेल में लिखे रहते, एक और चीज, दो नंबर्स के लिए बता सकते हो क्या एम और जीएम सेम कब रहेंगे? दोनों नंबर का जब वैल्यू वन, दोनों टू रहेंगे तो क्या हुआ? ये है, दोनों अगर नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, व्हेन नंबर्स आर इक्वल देन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विल ऑल बी सेम. इट्स वेरी वेरी लॉजिकल टू थिंक यार, के और के का के प्लस के बाई टू हो या रूट ऑफ के इनटू के हो, सेम ही चीज है. सर बोलो. सर अगर मतलब geometric mean और arithmetic mean equal है, तो मतलब a plus b by 2 equal to root of ab लेंगे. Yes, वो तभी होगा जब a और b same होंगे. a plus b by 2 equals to root of ab ना, I can show you here. फिर a plus b का whole square 2ab आ जाएगा, but फिर 4ab आ जाएगा. हाँ हाँ ठीक है, समझा था. a plus b का whole square 4ab भी तभी रहेगा, ये a minus b का square हो जाएगा फिर. हाँ yes sir. टू को स्क्वायर ही नहीं किया कुछ, मतलब ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर जीरो. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. तुम लोग एक 5 मिनट्स वेट कर सकते हो क्या? जस्ट कम.
okay, sorry guys. Okay, this first question, should I tell, did anybody get this? Okay, now first thing, अब से आदत नई चीज ये डालनी पड़ेगी. प्रियम फॉलो कर रहा है कि कुछ और काम कर रहा है? चलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे भी कर सकते हो. बट फर्स्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू गाइस व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ दिस इनइक्वालिटी इज हाईली यूज्ड. ये इनइक्वालिटी ना 2 साल हम लोग यूज करते रहेंगे तो बार बार एनकाउंटर करोगे और उसके बाद इट विल जस्ट बिकम जनरल नॉलेज आफ्टर 2-3 months. बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस. अच्छा, जैसे दो नंबर्स की बात करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स. अच्छा, नाउ कैन यू डू द सेम थिंग फॉर 3 numbers? मल्टीप्लीकेशन और ए कॉन्स्टेंट नंबर ऑन द राइट हैंड साइड. लाइक दिस इज ए टिपिकल एग्जाम्पल. स्पेशली एडिशन, एडिशन आएगा तो थिंक ऑफ दिस और इनइक्वालिटी हो. जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑल आई विल डू इज ए की जगह log 3 base 5 पुट करूंगा, बी की जगह log 5 base 7 और सी की जगह log 7 base 9. तो बता सकते हो क्या? लेफ्ट हैंड साइड तो ऑफकोर्स हो जाएगा log 3 base 5 प्लस log 5 base 7 प्लस log 7 base 9 डिवाइडेड बाय 3 is greater than or equals to cube root of inka multiplication log 3 base 5 into log 5 base 7 into log 7 base 9. Okay, now can you simplify the right hand side a little more? Ishan kuch padha nahi raha, this is only the question, prove karna. Sir, log 5 log 7 cut jayega, simplify karenge. Kaise, what property are you using? Sir, log 3 by log 5 into log 5 by log 5. Log 3 base 5 is log 3 by log 5. Ye samajh aa raha hai ki everybody? Yes sir. Next wala log 5 by log 7, fir log 7 by log 9. Cancel hone ke baad kya bachega? Log 3 base 9. Log 3 by log 3 by log 9 ya log 3 base 9. Can you simplify that also more? Yes, sir. 1/2. Yes, kaise? Sir, 9 raised to half is 3. Yeah, that can be done. Aur 9 ko 3 square likhenge to bhi niche. To is pure ka value kitna ho gaya? 1/2. To right hand side is basically cube root of what? 1/2. Sir, 1/2. Bas ye 3 ko cross multiply kar denge to hence proved. Is the first question of this type. तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम जा रहा होगा, बट एडिशन ऑफ नंबर्स है और ग्रेटर देन कुछ कांस्टेंट होगा तो थिंक ऑफ यूजिंग दिस. हियर वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, एएम ग्रेटर देन जीएम. ए की जगह लॉग 3 बेस 5, बी की जगह लॉग 5 बेस 7 और सी की जगह लॉग 7 बेस 9 पुट किया हमने. एक और क्वेश्चन करते हैं. हाँ, बस ये एम ग्रेटर देन जीएम यूज करने के लिए मेन रूल एक है कि पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए. काफी लोगों ने वीडियो ऑन किया, थैंक यू. डिडंट सी. तुम लोग एक दूसरे का फुल स्क्रीन नहीं देख सकते ना? नो सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस सर. ओके, नाउ सर एक सेकंड. हाँ, स्पेशली ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू पूछे वो होगा 2 into √ab. a plus b is greater than or equals to 2 √ab. तो a plus b का मिनिमम वैल्यू 2 into √ab होगा.
डन सर डन ओके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं एमजीएम पे ओके फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू सर एक रैंडम डाउट था बोलो सर वो जेई में मोस्टली क्या आता है इन सब में से मिसलेनियस भी आता है क्या बहुत सारा मतलब मिसलेनियस मतलब व्हाट इज द मिसलेनियस सर नहीं मतलब हाई वही जो इन सब का मिक्सचर है हां मिक्सचर तो जरूर आता है मिक्सचर से ज्यादा आता है एक्चुअली ओके ये है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 tan स्क्वायर x + 2 cot स्क्वायर x फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 tan स्क्वायर x + 2 cot स्क्वायर x दो मिनट ट्राई करो मैं जरूर बताऊंगा ओके फर्स्ट वाला करके दिखाऊं सिर्फ फर्स्ट वाला यस सर ओके नाउ यहां पे दो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन आल्सो वन मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड इज मिनिमम मिनिमम वर्ड नो मिनिमम जब आएगा तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है डिफरेंशिएशन के साइड भी भागना चाहिए और दूसरा जो है एम ग्रेटर देन जीएम के बारे में भागना चाहिए तो सोचना चाहिए यहां पे अरिथमेटिक मीन के बारे में इसीलिए सोचना चाहिए Because ये दो numbers के addition है, 8 tan square x एक number है, 2 cot square x एक और number है, that's right, उन्नति मानव, you are correct. Now, can you explain उन्नति या मानव कैसे किया? Sir, using am is greater than equal to gm, उसमें आ गया 8 tan square x plus 2 cot square x by 2 greater than equal to root of 8 tan square x into 2 cot square x, उसमें से cot square x हो जाएगा, cancel tan square से, और फिर रूट बचेगा 16 तो वो आ जाएगा 4 और फिर 2 into 8 बहुत ही एलाबोरेटली बहुत ही फास्ट बताया बहुत ही अच्छा है सी व्हाट शी हैज देन सेड इज फर्स्ट शी हैज सेड एम ग्रेटर देन जीएम यूज करे दो नंबर्स का क्योंकि यहां दो ही नंबर्स है तो a plus b by 2 greater than or equal to root ab है a की जगह 8 tan square x पुट कर दिया b की जगह 2 cot square x divided by 2 greater than equal to right side predict कर सकते हैं क्या root of multiplication 8 tan square x into 2 cot square x है cot और 10 cancel हो जाएंगे तो 8 टू जर 16 हो जाएगा तो देयरफॉर 8 tan स्क्वायर x + 2 cot स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 16 इज 4 2 into 4 8 हो जाएगा सो 8 tan स्क्वायर x + 2 cot स्क्वायर x का वैल्यू 8 या उससे ज्यादा ही होगा तो क्वेश्चन है उसका मिनिमम वैल्यू पूछा है तो फर्स्ट आंसर 8 हो जाएगा फर्स्ट आंसर 8 हो जाएगा ओके किसी को भी डाउट है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में awesome. तो मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करूं क्या यस सर यस सर ओके मानव दैट सीम्स राइट वी विल डिस्कस इन 5 मिनट्स There are 7 questions on the board. First one was solved by me. किसी को first वाला ही नहीं समझ में आया तो जरूर बताओ. That is right, Vatsal. You can choose to skip few topics, but it is too early for you to choose. Maybe you will find organic chemistry easier. Rishikesh correct, Manav correct. एक 5 मिनट में डिस्कस करते हैं
सही है, मानव सुपर फास्ट कर रहा है। करेक्ट है अभी। ओके आनंद, आनंद कैन यू सेंड मी द आंसर्स ऑफ लास्ट टू। हाँ अभी सही है, दैट्स राइट उन्नति, दैट इज करेक्ट जय। ईशान गलत हो गया, अभी करेक्ट। आनंद राइट, वंश इज ऑल्सो राइट। सर बोलो। सर वो सिक्स्थ सब क्वेश्चन 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना? यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हेलो, हाँ नितेश, ये I am sorry. Now, Sanjana, the answer cannot be in terms of x here. Ishfaq last ke fourth, matlab 512 nahi aata kisi ka bhi answer. Priyam correct hai. Anand, tune aage ke questions nahi bheje 6th aur 7th. Arre sir, maine abhi dekha, aapne 5th, 6th, 7th bhi dekha. Achha, theek hai, theek hai. Wohi to tough se 6th, 7th. एक सेकंड आदिनाथ, शायद लास्ट के दो गलत है। हाँ आदिनाथ, अभी सिक्स्थ वाला सही भेजा, फिफ्थ वाला भी गलत है। हाँ गलत लग रहा है, मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। ओके हाँ बोलना।
ओके आरुषि नाइस आंसर्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट लास्ट वन स्पेशली आंसर एक्स में नहीं आएगा आनंद एक्स में आएगा तो क्वेश्चन ही आंसर बोल सकते हो ओके लेट मी जस्ट सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस सेकंड का आंसर क्या आएगा एनीबडी हू गॉट द फोर रूट थ्री ओके एनीबडी हू वांट मी टू सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन फोर रूट थ्री वाला एनीबडी हू वांट मी टू सॉल्व दिस फोर रूट थ्री क्वेश्चन किसी को भी ओके नॉट सॉल्विंग थर्ड क्वेश्चन आया क्या आंसर सिक्स और फेक सिक्स इज द करेक्ट आंसर डू आई नीड टू सॉल्व एनीबडी इन द क्लास द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज बिकॉज एवरीबडी हू सेंट मी हैज सेंट मी द करेक्ट आंसर दैट इज व्हाई सिक्स किसी और को डाउट नहीं है ना एक को डाउट होगा तो मैं सॉल्व करूंगा ओके फोर्थ क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ रहा है 16 16 एनीबडी एल्स डिफरेंट आंसर 32 एनी अदर आंसर 16 और 32 के अलावा देखो एमजीएम अप्ले ही कर रहे हो ना 4:x + 1 + 4:3 - x / 2 is greater than question root of 4:x + 1 × 4:3 - x. तो 4:x + 1 + 4:3 - x is greater than question 2 को cross multiply कर देंगे 2 into root of इसका loss of indices solve करोगे तो 4:4 आएगा 4:4 का root 16 होगा 16 × 2 = 32 आना चाहिए answer. Yes sir. जिसने 16 बोला उनको clear हुआ क्या किसने बोला था 16 सर मैंने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया क्लियर हो गया ओके फिफ्थ आंसर आया क्या यस सर 2 फिफ्थ आंसर 2 आई थिंक दैट इज द इजीएस्ट आंसर यस सर 2 रूट 1 बस 2 इज द आंसर फिफ्थ वन नॉट सॉल्विंग द फिफ्थ वन आल्सो ओके नाउ लेट मी सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन x² + 9/x² + 1 समझो x² + 9/x² + 1 अगर AMGM अप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड x आ रहा है कैंसिल हो रहा है क्या ओके तो सोचो x square की जगह क्या होता तो अच्छा रहता प्लस वन x square प्लस वन होता तो अच्छा रहता तो x² + 1 - 1 करके कर लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस वन और माइनस वन कर रहे हैं सो दैट इन दोनों में AMGM करके मिनिमम वैल्यू ढूंढ लूंगा फिर माइनस वन करके सेपरेट कर दूंगा तो ये दोनों इन दोनों का AMGM बता सकते हो क्या ये A ये B है A प्लस B इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं 2 इनटू रूट ऑफ 9 आएगा यस फिर माइनस वन साइड में है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस वन साइड में है सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 तो इसका मिनिमम वैल्यू 5 है इसका मिनिमम वैल्यू 5 है जस्ट सिंपल ट्रिक है आई होप यू रिमेम्बर इट एडजस्ट कर रहे हैं इन सच ए मैनर ताकि आंसर आ जाए राइट हैंड साइड जीएम में कॉन्स्टेंट आएगा आना चाहिए एक्स के टर्म्स में नहीं छोड़ना चाहिए मिनिमम वैल्यू कांट बी इन टर्म्स ऑफ एक्स लास्ट वाला क्या किया संजना सर नहीं हुआ मेरा सब मैंने आपको भेजा है जो मैंने किया नहीं हुआ समझा तूने किया क्या समझा मैंने क्या गलत किया ओके ओके sec square x और cosec square x का कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना संजना नो सर लेकिन क्या कैंसिल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सर कौन-कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैंसिल होते हैं साइन कोसेक कॉस और सेक और टैन और टैन कोट टैन और कॉट या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को हम लोग कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को कुछ लिख सकते हो माइनस टैन स्क्वायर नहीं वन प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इज वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर इज वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स सो व्हाट विल हैपन टू आवर क्वेश्चन इज 8 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 cosec square x लेट अस सिंपलीफाई इट मोर तो दैट इज सेम एज sec square को 1 + tan square लिख देंगे तो ये बन जाएगा 8 + 8 tan square x प्लस 2 + 2 cot square x ये पहले ये गिवन क्वेश्चन से ये अच्छा है क्यों अच्छा है समझ आ रहा है क्या हां सर
tan और cot हो जाएगा yes. 8 into 10 है वो तो उसको छेड़ो मत उसको साइड में रख दो बचेगा 8 tan square x plus 2 cot square x 8 tan square x plus 2 cot square x में am jm अप्लाई करो इसका मिनिमम वैल्यू दो लास्ट में 10 ऐड कर दो 32 आएगा क्या नहीं 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 8 plus 10 82 हाँ इतना फास्ट मिस्टेक कैसे किया तूने सर मैंने 8 to the 16 into 2 32 कर लिया था इसका आंसर 18 है ना दैट इज करेक्ट लेट मी वेट फॉर वन मोर मिनट किसी को डाउट है तो अभी पूछो इन द लास्ट क्वेश्चन यू सबट्रैक्टेड वन फ्रॉम वो ऑलरेडी AMJ में यूज हो चुका है माइनस वन अलग से लटक रहा है तो माइनस वन इज ऑन द लेफ्ट साइड आंसर माइनस वन आंसर में माइनस वन है पर RHS पे जाके प्लस वन नहीं हो जाएगा एक सेकंड आराम से करते हैं सबसे पहले AMGM किस में अप्लाई कर रहे थे उस समय x square plus 1 and 9 by x square plus 1 तो x square plus 1 divided by 9 by x square plus 1 is greater than or equals to क्या है वहाँ पे minus 1 भी है ना लेफ्ट साइड पे हाँ एक वो तो करूँगा ये greater than or equal to क्या है 2 into root 9 6 हाँ तो रहा लेफ्ट साइड भी माइनस वन है तो राइट साइड भी माइनस वन कर देंगे सो आवर क्वेश्चन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस वन इज इट क्लियर यस सर ओके अच्छा ये वाला दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनटू रूट ऑफ 8 इनटू 2 फिर 10 अलग से ऐड कर देंगे 18 इज द करेक्ट आंसर Anybody still solving this question? Okay. Sir, AMGM से max value नहीं निकाल सकते। Product का max value आता है, addition का min value आता है। जैसे कि एक question की तरह दे देता हूँ, write down, बताऊँ? One second तो small value है। हो गया तो बता दो बस ओके कंसीडर थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड कंसीडर थ्री पॉजिटिव नंबर्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इट इज गिवन दैट the sum of their pairwise मतलब समझ में आ रहा है क्या yes. नहीं समझा तो बताता हूँ थोड़ी देर में सम ऑफ देयर पेयरवाइज प्रोडक्ट इज 12 Sum of their pairwise product is 12. Find the maximum value of XYZ. Find the maximum value of X into Y into Z. दो मिनट ट्राई करो मैं जरूर बताऊंगा सर एक बार पूरा स्टार्टिंग से क्वेश्चन रिपीट कर सकते कंसिडर नंबर XYZ. Sum of their pairwise product is 12. Achha. Find maximum value of XYZ.
I'll give you a hint after a minute. Okay. सबसे पहले this phrase you have to digest it. Some मतलब of course addition. बोलो क्या बता रहे क्या? I did not understand. Can you tell again? So max value root 12 है क्या? नहीं नहीं root 12 नहीं है. Okay. Sum of their product pairwise product मतलब can anybody elaborate that pairwise product मतलब x y plus y z plus x yes x y y z z x pairwise x y z में से pair बना रहे जोड़ियाँ x y y z z x इनका addition x y plus y z plus z x का value कितना दे रखा है 12 okay हमें maximum value of x y z ढूँढना है तो क्या करने का plan है कौन सा चैप्टर चल रहा है एम ग्रेटर देन जीएम यार ये तो क्या कोई नहीं बता पाया ठीक है एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम कितने नंबर्स का 3 तीन नंबर्स का क्योंकि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है करो जरा जरा करो आगे तीन नंबर्स का एम ग्रेटर देन जीएम लिख के तो देखो अमनी करेक्ट सौरभ गलत हो गया संजना दैट इज करेक्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर क्या है वो आई गेस इट इज करेक्ट हाँ हाँ दैट इज करेक्ट संजना दैट सिंप्लीफाइड फोर को टू स्क्वायर लिख सकती है यार क्या मानव थोड़ा गड़बड़ है अरे नहीं यार संजना क्या कर रही है जो पहला आंसर भेजा है वो करेक्ट है वैल्यू रॉन्ग भेजा वंश नाउ इट्स राइट आदिनाथ क्या हुआ नहीं आया अभी तक सर एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वो क्या मतलब कैसे एम जी एम तीन नंबर्स का क्या होता है सर सर तीन नंबर का तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय थ्री ना ऋषिकेश करेक्ट शायन करेक्ट संजना ऑफ कोर्स करेक्ट नाउ मानव नो आदिनाथ स्क्वायर रूट कौन निकालेगा उन्नति ऑल्सो स्क्वायर रूट कौन निकालेगा या ईशान अभी तो सॉल्व कर ही रहे हम लोग AMGM is a unique type of questions. हर क्वेश्चन नया टाइप ही कर रहे हैं हम लोग ओवर द टू ईयर्स विल कीप यूजिंग इट मेनी टाइम्स तो ऑब्वियस हो जाएगा AMGM करके बोलते रहते हैं मैथ्स में कॉमनली आर्यन करेक्ट आदिनाथ करेक्ट या उन्नति आदिनाथ उन्नति आ गया ना
हाउ टू सॉल्व फर्दर, क्या होगा प्रियम, व्हाट डू यू थिंक लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर. फिर क्या करेंगे, क्यूबिंग नहीं करेंगे दोनों साइड क्यूब रूट हटाने के लिए? तो क्या होगा फोर क्यूब, फोर क्यूब क्या होगा? 64. हाँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स वाई जेड का स्क्वायर. फिर स्क्वायर रूट ले, दैट साइड उन्नति ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू. डिफरेंशिएशन ना नहीं यूज करेंगे ऐसे सम्स में, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स वाई जेड तीनों है. डिफरेंशिएशन तब यूज करो तब सिर्फ एक्स के टर्म्स, दैट साइड प्रियम पूछना नहीं चाहिए था, हो सकता था प्रियम, हो yes, सकता sir, था sir. लगा ना तुझे, हाँ वो ठीक है सर, कभी कभी क्लिक नहीं करता. एक्स एट इज ग्रेटर देन कोस्ट एक्स वाई जेड, या तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट हो सकता है. ओके और थोड़े क्वेश्चंस कराता हूँ एएमजीएम पे. लेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप के करते हैं. एएमजीएम आल्सो मेनली एडवांस में आता है, जेई मेन और सीईटी में नहीं आता एएमजीएम पे क्वेश्चंस. हाँ बोलो क्या, थोड़ा मिसलेनियस ही कर रहे हैं ना मतलब आज का पूरा एपी जीपी एचपी, और नेक्स्ट क्लास में एपी जीपी एचपी के बियॉन्ड जाएंगे. अभी मिसलेनियस मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कैन यू इफ यू एलाबोरेट एवरीबॉडी दैट विल बी ग्रेट. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिसलेनियस मतलब? दिस इज द क्वेश्चन, प्रूव दैट ए बी प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाइड विथ ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फोर ए बी एक्स वाई. इन सब में पॉजिटिव नंबर्स ही है मान लो, मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एएमजीएम का टॉपिक चल रहा है इसीलिए सारे के सारे पॉजिटिव ही है नंबर्स. ओके, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसीलिए फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करके देखता हूँ. अभी देखो फर्स्ट वाला करता हूँ, दैट इज अ हिंट फॉर द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आल्सो. नाउ यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे और वैसे एक्सपैंड करेंगे कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, रादर मैं बता रहा हूँ दोनों का एक एक करके निकालेंगे. हाँ फेयर एनफ. ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ए बी. टू को बस राइट साइड लिखता हूँ, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू रूट ए बी, यहाँ तक ठीक है. नाउ ए बी प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा? टू रूट ए बी एक्स वाई. टू रूट ए बी एक्स वाई. ओके नेक्स्ट लिखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा? टू रूट ए बी एक्स वाई. इन दोनों को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई. यस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी प्लस एक्स वाई इन टू ए एक्स प्लस बी वाई विच इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड देखो मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, फोर ए बी एक्स वाई. हेंस प्रूव्ड, दो ए एम जी एम इनइक्वालिटीज अप्लाई करके मल्टीप्लाई किया है. राइट इट डाउन, समझो, नहीं समझा तो पूछो, समझ गए तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सेम लॉजिक से.
आनंद मिसलेनियस मतलब यही बोल रहा है क्या या क्या कुछ तेरे दिमाग में है तो वो करवा दूंगा। होमवर्क भी मिलेगा आज एएमजीएम के बेसिस पे। एपी जीपी एचपी इज लाइक द फंडामेंटल्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज, बाकी पूरा उनके एप्लीकेशन है। लाइक टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर और दो या तीन लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन ही करते रहेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? एनीबडी? दो बार एएमजीएम अप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई किया, डाउट है तो पूछो प्रियम और एनीवन एल्स। सेकंड क्वेश्चन किसी से हुआ क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके चलो, दैट इज गुड एनफ मोटिवेशन फॉर मी टू वेट। Second question is only the hint for the third guys. अरे actually एक second, third question I have made some incomplete. हाँ sir, अब आ गया third one. Yeah, I'm extremely sorry. That was an important condition. अब आ गया सर। हाँ सर। कितने लोगों का हो गया second question? Either raise hand or you can just tell. Okay, so few. Ashutosh, Avi, Avi नहीं हुआ तेरा second वाला? हो गया सर, मतलब कर ही रहा हूँ बस। हाँ सर हो गया मेरा। Okay okay, wait कर रहा हूँ, बाकी लोग wait करूँ या क्या situation है? Amol, Rishikesh, Anushka, Harshvardhan, Tejas. सर third वाला कर रहा हूँ। Okay. सेकेंड वाला सेकेंड क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू रूट एक्स वाई, जस्ट स्ट्रेट एएमजीएम। बस तीन बार अप्लाई किया और तीनों को मल्टीप्लाई करो। ओके सेकंड क्वेश्चन, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आल्सो सिमिलर मैनर वन प्लस ए वन वन प्लस ए टू सब पे ए एम जी एम अप्लाई करो वन प्लस ए वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू रूट ए वन आया क्या प्रियम थर्ड वाला नहीं से सॉल्व कर रहा हूं ओके सेकंड वाला हुआ था क्या ओके नो रिस्पांस यस सर यस ओके वन प्लस ए वन बाई टू इज ग्रेटर देन रूट ऑफ वन इंटू ए वन और वन प्लस ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू रूट ए वन नेक्स्ट वाला वन प्लस ए टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू रूट ए टू एंड सो ऑन अंटिल वन प्लस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू रूट ए एन एंड ऑल वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम राइट हैंड साइड टू 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 रेज टू एन आ जाएगा इंटू रूट ऑफ ए वन ए टू so until a n aega root of a1 a2 an is basically root 1 or 1 and left hand side is our question left hand side is our question or we are all we are doing is amgm apply karke sabko multiply kar rahe hain ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आया क्या आनंद हाँ सर बताओ कैसे सर सिमिलर मैनर में किया एम इज ग्रेटर देन जीएम वाला फॉर्म एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम करेंगे एम कितने नंबर्स का लेने का प्लान है सर एन माइनस वन सर ओके क्यों उसको क्यों छोड़ दिया आंसर क्या आया उसको भी लिया मतलब वहां तक लिया फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकाल दिया वही ए वन एक नंबर है ए टू एक नंबर है ए थ्री एक नंबर है ए एन माइनस वन फिर थ्री टाइम्स ए एन एक नंबर है ये थ्री को तुम लोग ऐसे दिल पे मत लो थ्री एक जस्ट एक कॉन्स्टेंट है थ्री ए एन एक नंबर है ऐसे एन नंबर है एन नंबर डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन रूट ऑफ क्या होगा थ्री सी a1 a2 that is correct an minus 1 into 3 into an and already question maker ने बोल दिया है कि a1 से an तक का multiplication c है तो right hand side बन जाएगा nth root of 3c that is it so our question which is our numerator that will be greater than or equals to n को cross multiply करना है n into nth root of 3c that is only the answer ये अजीब सा ही आंसर है n into 3c power 1 by n that is very nice that you sent Manav Aryan yes Aryan sir samjhan okay kaun sa step sir yes sir ha bolo am greater than gm apply kar rahe am greater than gm n numbers ke liye apply kar rahe n numbers ka arithmetic mean kya hoga n numbers का arithmetic mean नहीं पता तो बता दूं नहीं याद है हाँ
वही जो पहले स्टेप्स में हमने किया है क्या? हाँ ये राइट यस सर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू nth रूट ऑफ क्या a1 a2 ऐसे an माइनस 1 3an ठीक है क्योंकि यार लास्ट वाला 3an है तो यहां 3an लिखा और कुछ नहीं ठीक है प्रियम अच्छा ये क्या है इंफॉर्मेशन a1 से an का मल्टीप्लिकेशन c है तो ये 3 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन तो c है 3c दैट्स इट थैंक यू सर बस n को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ओके कुछ डाउट है क्या आरुषि आनंद अंशुल नहीं सर पहले का है आरुषि तू वही है ना जिसके पीछे तेरे भाई ने एक बार आके डांस कर रहा था नहीं नहीं अच्छा एक और लड़की थी उसका नाम भूल गया मैं इतने सारे कलर्स और उसके बीच में मुश्किल से याद हुए नाम और उसके बाद शफलिंग भी हो गया और तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आई डोंट नो तुम लोगों को एक दूसरे के नाम याद हो गए क्या अभी तक यस सर कुछ कुछ हो गए कुछ थोड़े बहुत हाँ ठीक है हाँ याद हो जाना चाहिए ठीक है चलेगा मैं अभी होमवर्क देना स्टार्ट करता हूँ एक 5-10 मिनट जाएगा उसमें भी मैं सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने हॉलर नाइट से होमवर्क दिया था क्या हाँ सर दिया था पर ऑप्शनल था क्या क्या ऑप्शनल था ओके हॉलर नाइट से एक सेकंड मैं लिस्ट कर देता हूँ होमवर्क किसी ने किया क्या होमवर्क लास्ट एक्सरसाइज आप बोले नेक्स्ट क्लास में बताना कौन से एक्सरसाइज दिया हॉलर नाइट से मैंने IA5B और 6A 5A 5B फुल दिया था कि थोड़ा थोड़ा दिया था 20 या 25 क्वेश्चन थे ओके okay, वापस से दूं ये 6 के 7 क्वेश्चन वापस से दूं क्या हां सर दे दो 4A 4B भी कर लिया था क्या पूरा यस सर दे दिया था सर 5A से कितने दिए थे 5 भी पूरा नहीं कर सकते 1 to 25 दिया था 25 तक दिए थे सर थैंक यू 5B से थोड़ा सा 1 to 20 दिया 5B से 1 to 20 दिया था क्या अरे 5B वाला वो होमवर्क स्किप कर दो यार लास्ट टाइम वाला मैं थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ उसमें ना थोड़े क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए नहीं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ जीपी नहीं है नॉन जीपी है वो इस बार का थोड़ा सा टफ है होमवर्क और उसके बाद मॉड्यूल से कुछ दिया था क्या मैंने कभी हाँ सर बहुत क्लास में नहीं था 1A 1B सर 1A भी दिया 1B भी दिया पूरा दिया था कि थोड़ा सर 1B में 1 से 21 1A में 1 से 14 तक दिया था और 17 से 23 1A 1B का हाँ नहीं 1A में से 1 से 14 17 से 23 और 1B में 1 से 21 ओके तुम लोग को कम और टफ होमवर्क चाहिए कि ज्यादा और इजी और टफ सर मिक्स में चलेगा मिक्स चाहिए अभी कैसे हो तुम लोग मिक्स तो ठीक है 1C से देना स्टार्ट करता हूं थोड़े से लास्ट टाइम से टफ है गाइस
तुम लोग को वॉल्यूम वगैरह स्कूल में पढ़ा है क्या, लाइक वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पता है क्या? हाँ सर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड? सर पिरामिड का नहीं मालूम, क्यूब और क्यूबॉइड और सफेद। अच्छा कौन का बताए? हाँ सर 1/3 पाई आर का। 1/3 क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर। एचबी है। हाँ हाइट हाइट से मतलब के बिना कैसे आएगा आंसर? पिरामिड का भी अलग अलग होगा ना, बेस कौन से शेप का उस पे। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला रहेगा सर, इतना काफी रहेगा शायद। हाँ सर थोड़ा ज्यादा है, काफी हो गया सर। मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तुम लोग ये एक्सरसाइज तो खत्म करने दो, छोटा सा एक्सरसाइज। विंडो जेई का है क्या? हाँ विंडो टू आईटी जेई का है। ओके काफी है क्या? आर यू श्योर? बहुत काफी है सर। ठीक है चलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और ज्यादा दे देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री की बुकलेट से छोटी है तो अच्छी बात है। ओके गाइस दिस मच इट फॉर द दो तीन महीने कुछ भी बकवास करते रहते हैं थोड़े। दो तीन महीने के लिए काफी, अरे हफ्ते में 200 सम्स करना चाहिए मैथ्स के लिए दोनों ट्रैक मिला के। क्या आदिनाथ हंस रहा है? इतना तो करते हैं हफ्ते में 200, मतलब दिन में कितने हैं? 30 क्वेश्चंस। हाँ दिन में 30 क्वेश्चन करने के लिए एक डेढ़ घंटा चलेगा, लाइक 1.5 आवर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते क्या? तो मैं एक घंटे में 15 सम करने का सोचता हूँ। हाँ तो दो घंटे में 30 हो जाएंगे तो भी दैट इज लाइक आइडियल यार, तो हफ्ते में 200 हो गए वैसे ही। लेकिन उसमें बाकी भी दो सब्जेक्ट रहते हैं। Yes, sir. हाँ बाकी दिन में और घंटे भी रहते तो सर, बाकी दिन में 4 घंटे तो फिर ट्यूशन रहता, फिर सुबह स्कूल रहता है। तो क्या तू दिन में तेरे पास 4 घंटे भी नहीं मिल रहे? दिन में नहीं, मैं तो बता रहा ना, मतलब से सुबह से शाम थोड़ा तो अभी शाम ही दिन खत्म हो जाता है क्या तेरा? नहीं मैं थोड़ा थक तो जाता ही है ना आदमी इतना कर करके। हाँ तू अकेला ही आदमी है पूरे दुनिया में।